जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, touch them, heal them, deliver them, restore their marriage, heal their bodies, save them, Father. Touch them. They'll never be the same. Never be the same. सारी महिमा आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं. सुनो, ग्रहण कर. आमेन, आमेन. कलीसिया में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से. आप समय निकाल कर आए, प्रभु आपको आशीष करें. जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है. लाइफ एंड डेथ वो आपके मुंह में है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो आप बोलेंगे वो आप देखेंगे. इसलिए जो भी आप बोलते हैं बहुत सोच समझ के आपको बोलना चाहिए. बहुत सोच, ये व्यवस्था है. इट्स अ लॉ. जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, अगर यहाँ से आप जंप करेंगे, आपका मूड कैसा भी हो, आप बहुत खुश हैं, आप निराश हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ से जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ लॉ. ग्रेविटी इज अ लॉ. वैसे ही शब्द, जो चीज आपके मुंह से निकलता है आप उसे देखेंगे. आपका मूड अच्छा था या खराब था, या बहुत एक्साइटेड था या डिप्रेस था, अपने मुंह को संभालिए. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. जो आप बोलेंगे आप देखेंगे. यू विल सी व्हाट यू से. इसलिए बहुत सोच समझ के अपने मुंह को संभालिए. आपका मुंह, ये पूरी कायनात, वचन में लिखा है, ये पूरी कायनात यीशु मसीह अपने शब्दों से संभालता है. उसने शब्दों से बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं, शब्दों से सिर्फ वो बनाता नहीं है, शब्दों से वो उसे क्या करता है, संभालता है. इसीलिए वो चांद, वो तारे और वो सूरज वहां पर लटका हुआ है. इट्स बिकॉज ऑफ हिज वर्ड. इट्स बिकॉज ऑफ हिज वर्ड. वो यीशु मसीह का वचन है कि सूरज आज वहां पर है. यीशु मसीह का वचन है कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऐसा घूमता है. इट्स द वर्ड ऑफ जीसस. आपका जीवन आपके शब्दों से बनता है और शब्दों से संभलता है, क्योंकि आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं. इसलिए अपने मुंह को संभालिए. Only speak the word. कोई बोलते हैं कितना आसान है, कोशिश करके देखिए. हर समय सिर्फ वचन को बोलना कोशिश करके देखिए. ये आसान नहीं है, it's tough. लेकिन पवित्र आत्मा आप में है, और क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है, आपके पास वो शक्ति है कि आप हर समय वचन को बोलें. भजन संहिता 23, ऐसे वचन को आप ढूंढिए और वचन को बोलना शुरू कीजिए. बच्चों के विषय में, घर के विषय में, काम के विषय में, हमेशा जयवंत हूँ, हमेशा विजय हूँ. वचन को आप बोलिए. आदत बनाइए वचन को बोलने का, और जितना अधिक आप वचन को बोलेंगे आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. ओके, ये तीसरा संडे है. हम सीख रहे हैं अधीनता के विषय में. अधीनता, अगर एक व्यक्ति अधीन नहीं है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, सरकारी नौकरी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर कलीसिया में हो, एक व्यक्ति अगर अधीन नहीं होता है, वो व्यक्ति का कभी भी प्रमोशन नहीं होगा. क्योंकि एक बलवा करने वाले व्यक्ति को प्रभु कभी भी प्रमोट नहीं करेगा. जो व्यक्ति अधिकारियों का विरोध करता है, अधिकारियों का सामना करता है, अधिकारियों का अपमान करता है, अधिकारियों का न्याय करता है, मतलब एक चीज़ वो व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, उसका हाथ हमेशा अधिकारियों के खिलाफ रहता है कि उसने क्या गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, 15 काम ऐसा कर सकते थे. और जब भी आप अधिकारियों का न्याय करते हैं, परमेश्वर आपका विरोध करेगा. आप विश्वासी हो या 6 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अगर आप बलवा करेंगे तो प्रभु आपका क्या करेगा, सामना करेगा. ओके, ये बहुत जरूरी है. इसीलिए आप और हम किसी भी अधिकारियों के खिलाफ उनका विरोध ना करें. और अगर आप ऐसे लोग के साथ हैं जो बलवा करते हैं, उनके साथ अपने दोस्ती को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए. वो खुद तो जाएंगे, वो आपको भी लेके
जाएंगे. इसलिए स्टे अवे फ्रॉम पीपल. अगर आपको पता है कि ये जो पोडियम है 20,000 वोल्ट का है, पता होने के बावजूद अगर आप इसको छूते हैं, यू आर अ फूल. आप मूर्ख हैं. बलवा खतरनाक है. इट्स डेंजरस. वो ऐसा एक कमरा है जहां पर हम जाना नहीं चाहते. हम दूर रहना चाहते हैं उन चीजों से. अक्सर हम उनके अधीन होते हैं जो अधिकारी हमसे अच्छा बात करते हैं या हमें तनख्वाह देते हैं या हमारा आदर करते हैं. लेकिन वचन में ये नहीं लिखा है कि जो आपका आदर करते हैं वही परमेश्वर से हैं. वचन में लिखा है कि जितने अधिकारी हैं वो सब कहाँ से हैं? परमेश्वर से हैं. इसीलिए सबका आदर करें. अपने अधिकारियों को पहचानिए. और अधीनता का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से, मतलब किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं किया. अगर जबरदस्ती करेंगे तो आप सब कुछ तोड़ देंगे एक दिन के बाद, बहुत हो गया. आप अपनी इच्छा से अपने अधिकारियों, अपने आप को अपने अधिकार के नीचे लाते हैं ताकि आप उसका आदर करें, आप उसकी सेवा करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और उसे आशीष करें. ये सब कुछ आप यीशु की महिमा के लिए करें, प्रमोशन के लिए नहीं, यीशु की महिमा के लिए. क्यों आप अधिकारियों को आशीष देते हैं? यीशु की महिमा के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं. क्यों आप अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं? यीशु की महिमा के लिए. क्योंकि जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया उसने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया. यीशु का नाम है हमारे पास. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इफ यू आर फुल ऑफ द होली स्पिरिट, आपको अधीन होना इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. क्योंकि जैसे आप पानी में जाते हैं, भीग जाते हैं, वैसे ही जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसे अधीन होना बहुत आसान है. इट्स वेरी सिंपल. एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब अधीन नहीं होता है, उसका मतलब है कि ना वो वचन को जानता है, ना पवित्र आत्मा की संगति में वो व्यक्ति चलता है. लेकिन एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की संगति में चलता है उसे बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी. माता पिता के अधीन होना बहुत आसान है. बहुत आसान है पति के अधीन होना. बहुत आसान है पास्टर के अधीन होना. बहुत आसान है बॉस के अधीन होना. क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके पास है उसका एक सबूत है कि वो व्यक्ति बहुत आसानी से अधीन हो जाता है. उसको उसे उसे तकलीफ नहीं है. ओके, हम सीख रहे हैं अधीनता के विषय में. आप जहां पर भी हैं अपने अधिकारियों को पहचाने और आप उनके अधीन हो जाइए. वो गलत करते हैं, वो सही करते हैं. आप न्यायाधीश नहीं हैं. यीशु ने उन्हें बैठाया है. यीशु उनका हिसाब किताब लेगा. याकूब 4:7, मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं. याकूब 4:7, जेम्स 4:7. प्रभाव का एक बाढ़ हमारी ओर आ रहा है. इसीलिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया है. क्योंकि जो अधीन नहीं होगा वो प्रभावशाली कभी नहीं बनेगा. नेवर. और प्रभाव का जो बहाव आ रहा है, जो वेव दैट्स कमिंग, उसमें अगर आप उसका उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको आप एंजॉय करना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो जहां पर भी आप हैं वहां पर आप क्या हो जाएं? अधीन हो जाएं. बी सबमिसिव. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो. परमेश्वर का सामना मत करो, शैतान का सामना करो. शैतान के अधीन मत हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ. शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. और सबसे पहला चीज हमने सीखा कि अधीन होने का मतलब है, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो अधिकारियों को बैठाया है उसके आप क्या हो जाए? अधीन हो जाए. परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? उसका एक मतलब यह है कि परमेश्वर ने जितने अधिकारियों को बैठाया है, जब आप उनके अधीन होते हैं आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं. अधिकारी परमेश्वर नहीं है, पति परमेश्वर नहीं है, मेहमान परमेश्वर नहीं है, माता पिता परमेश्वर नहीं है. परमेश्वर ने उन्हें बैठाया है. ओके, बहुत लोग बोलते हैं पति परमेश्वर है. पति परमेश्वर नहीं है. पति पति है, परमेश्वर परमेश्वर है. माता पिता परमेश्वर नहीं है. माता पिता है, परमेश्वर परमेश्वर है.
ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और पहला चीज जो मैंने आपको बताया वो ये है, जो दो संडे हमने सीखा, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है, सबसे पहला परमेश्वर ने जो अधिकारियों को रखा है, जब आप उनके अधीन होते हैं आप परमेश्वर के अधीन होते हैं. लेट्स गो टू रोमियो 13, रोमियो 13 1, इसे ध्यान से देखिए. ये हमने देखा है हर एक व्यक्ति, वो विश्वासियों को लिख रहा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो. और जो आज अधिकारी पद में है वह इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ठहराया. व्हाट अ पावरफुल वर्स. ओके, नंबर 2, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है या अपमान करता है या बलवा करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, वो परमेश्वर का सामना करता है. और सामना करने वाला क्या पाएगा? दंड पाएगा, भले ही वो 21 दिन उपवास प्रार्थना करें. आमेन, प्रेज गॉड. वो सामना करने वाला दंड पाएगा, ही विल बी पनिश्ड, वो कोई भी हो. वर्स नंबर 3, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है. सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, उसकी ओर से तेरी सराहना होगी. वर्स 4, क्योंकि वह तेरे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है. हर एक अधिकारी किसका सेवक है? परमेश्वर का सेवक है. सो पावरफुल, सो पावरफुल. हर एक अधिकारी परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार, आप जानते हैं यहां पर अधिकारियों के बारे में भी लिखा है, जो बुराई करते हैं उन्हें डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है. वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को क्या करें? दंड दे. जो भी अधिकारी पद में है, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो जो भी अधिकारी पद में आप हैं, आपको हिसाब देना है कि जब आपके नीचे जो लोग थे उन्होंने जब सही किया आपने उन्हें सराहा क्यों नहीं? Why didn't you do it? अगर आप माता पिता हैं, बच्चों ने गलत किया तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब उन्होंने गलत किया आपने दंड क्यों नहीं दिया? Why didn't you do it? सिर्फ यहां पर अधीन होना नहीं, आप देखिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि जो आपके अधिकार के नीचे हैं उन्हें डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन देम. और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट देम, रिवॉर्ड देम. लेकिन जो बुरे काम करते हैं उनको दंड देना परमेश्वर की योजना है. नहीं तो फिर आपको अपना हिसाब किताब देना होगा कि परमेश्वर ने आपको हस्बैंड बनाया, परमेश्वर ने आपको माता बनाया, परमेश्वर ने आपको ऑफिस में वो पोजीशन दिया, और आप सही होता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, गलत होता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप अधिकारी के पद में रहने के लिए सही नहीं है. You're not the right person to be in authority. क्योंकि आपको अधिकार देने के बावजूद ना चीजें ठीक हो रही हैं, ना सराहा जा रहा है, किसी और व्यक्ति को वहां पर आना जरूरी है. ओके, तो आपको हिसाब देना है. You must give an account कि आपने दंड क्यों नहीं दिया. Why didn't you discipline? क्यों आपने अनुशासन नहीं किया जब आपको वो अधिकार परमेश्वर ने दिया? क्यों? क्योंकि इन्हें बुरा लगेगा, इनको नहीं देना है आपको हिसाब. आपको परमेश्वर ने बैठाया है, आप परमेश्वर के सेवक हैं, आपको परमेश्वर को हिसाब देना है, इसीलिए सराहना है. और जहां पर डिसिप्लिन जरूरी है वहां पर डिसिप्लिन करना है. आमेन, प्रेज गॉड. फिर आप कौन से भी अधिकारी पद में हो. ओके, ओके, नंबर 2, आज के विषय में जाएंगे. याकूब 4:7 में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ. सबसे पहले परमेश्वर ने जो अधिकारियों को रखा है उसके अधीन हो जाओ. नंबर 2, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? लेट्स गो टू द स्लाइड.
मेरा आज का विषय सबमिशन में है परमेश्वर की इच्छा। जो सड़क आप देख रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा। मैं सोच रहा था मैं कौन सा पिक्चर डालूं, बट आई लाइक दिस, दिस इज गुड। जब दूसरा चीज है, जब परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब, दूसरा मतलब यह है कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अधीन आप हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है? व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू? परमेश्वर क्या चाहता है आपके विषय में? आप जानते हैं सबसे सुरक्षित स्थान, मैं एक समय में अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था अमेरिका बहुत सुरक्षित है, अमेरिका में बहुत पैसा है और मुझे अमेरिका जाना था। लेकिन आप जानते हैं दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की इच्छा है। सबसे सुरक्षित, द मोस्ट, द सेफेस्ट प्लेस इन दिस यूनिवर्स इज गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा सबसे सुरक्षित जगह है। अगर परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है कि मैं इंडिया में रहूं, तो अगर मैं वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ता हूं और यूनाइटेड स्टेट्स में जाता हूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। इट्स द मोस्ट डेंजरस प्लेस। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक जगह, जब आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं, वो आपके लिए सबसे खतरनाक जगह है। इट्स अ मोस्ट डेंजरस प्लेस। सबसे सुरक्षित जगह है परमेश्वर की इच्छा में रहो, परमेश्वर की इच्छा में रहो। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या रहें? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप किससे विवाह करें? परमेश्वर क्या चाहता है कि आपका बुलाहट क्या है? परमेश्वर की इच्छा में रहें, वो सबसे सुरक्षित जगह है। किसी ने कहा अगर परमेश्वर ने मुझे अफगानिस्तान में भेजा तो? आप जानते हैं अगर परमेश्वर ने आपको अफगानिस्तान में भेजा, आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह अफगानिस्तान है। अगर परमेश्वर ने आपको अफगानिस्तान में भेजा, आपके लिए सबसे धनवान जगह अफगानिस्तान है। लूत करके एक व्यक्ति था, उसने सोदम और गोमरा को देखा, उसने बड़े बड़े बिल्डिंग को देखा, उसने बोला यही मेरा जगह है। आज के जवान ऐसे हैं बहुत, उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग को देखा, बड़े बड़े कंपनी को देखा, उनको लगा कि मेरे लिए बनाया गया है, और फिर बोला नहीं, परमेश्वर की इच्छा मुझे दिख रही है वहां पे, क्योंकि बिल्डिंग बड़े बड़े हैं तो जाहिर सी बात है इच्छा दिख रही है आपको। और वहां पर वो गया और आप जानते हैं क्या हुआ है? सब कुछ बर्बाद हो गया, वो अकेला निकल के आया वापस। जस्ट बिकॉज कुछ चीज अच्छा दिखता है, जस्ट बिकॉज कुछ चीज अच्छा सुनने में आता है, जस्ट बिकॉज अच्छा महसूस होता है, इसका मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा है। आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की इच्छा है। उसे ढूंढिए कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। What is God's will? अगर यहाँ पे कोई माता पिता है, अक्सर अक्सर बच्चों के जीवन में एक छोटा सा बच्चा का जन्म होता है, वो बचपन से बोल रहा है मम्मी डैडी मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो माता पिता बोलते हैं उसमें पैसा नहीं है, सरकारी नौकरी में जाओ। बोलते हैं अरे मुझे फोटो खींचना है। बोलते नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है। अरे मुझे फोटो खींचना है, मैं फोटो खींचना चाहता हूँ। बोलते नहीं 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 उसमें पैसा नहीं है, घर कैसा चलेगा, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो। अरे मुझे फोटो खींचना है यार। मतलब कई बार जो बच्चों की इच्छा है उसमें माता पिता अपनी इच्छा को बच्चों के ऊपर डाल देते हैं और ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा ढूंढो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहते हैं। और अक्सर माता पिता, मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन अक्सर अक्सर माता पिता ये करते हैं, क्यों? ताकि जब पड़ोसी लोग आए तो बता सके कि मेरा बेटा डॉक्टर है और वो डॉक्टर में उधर बैठ के फोटो खींच रहा है। तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना यार, मुझे फोटो खींचना है। कितने बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए हैं। सो मेनी चिल्ड्रन। बच्चा कुछ करना चाहता था, परमेश्वर ने वो इच्छा उसमें डाला था, लेकिन माता पिता का
esteem कि पड़ोसी को हम क्या बोलेंगे, लोगों के सामने क्या बोलेंगे कि हमारा बेटा क्या करता है. क्या है आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा? क्या चाहता है परमेश्वर आपके बच्चों के लिए? क्या आपकी प्रतिष्ठा के लिए आप अपने बच्चों को कुछ भी करा देंगे जो आपको करना है? What does God want? क्या चाहता है परमेश्वर? It's very important. Many lives are destroyed. बहुत साल बर्बाद हो गए हैं क्योंकि बच्चों के मन में वो था नहीं. माता पिता ने सिखाया नहीं कि बच्चे तुम्हारे पास तुम्हारे लिए परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की एक योजना है, उसे ढूंढो और उसके अंदर घुस जाओ. सो परमेश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की इच्छा है. आपके लिए सबसे खतरनाक जगह परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहना है. सो फाइंड आउट कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है. आइए एक वचन में जाइए, लूका 22 उसका 41. God has a plan for you. परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए. God has a specific plan for you. परमेश्वर ने आपको बनाया और फिर सोचा नहीं क्या करें इसके साथ. जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंट से बना दिया और अभी आ गया है तो अभी बोलते हैं अभी क्या करें यार, आ गया है ये. परमेश्वर पहले वाटिका को तैयार करता है फिर आदम को भेजता है. परमेश्वर पहले नदी को तैयार करता है फिर मछलियों को बनाता है. परमेश्वर पहले स्वर्ग को बनाता है फिर पक्षियों को भेजता है. मतलब आपका आना इस धरती में ये सबूत है कि आपका नदी, आपका बगीचा और आपका स्वर्ग तैयार है. अगर आपका बगीचा तैयार नहीं होता तो आपका जन्म नहीं होता. आपका जन्म ये सबूत है कि आपकी बुलाहट, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए तैयार है. There is something that God wants you to do specific. अगर आपको वो पता नहीं है तो संसार की तरह पैसा कमाना, विवाह करना, बच्चे होना, उनको पढ़ाई करना, उनका विवाह करना, फिर गांव में जाके बस जाना, खेतीबाड़ी करना, यही रह जाएगा बस, that's all. फिर हम में और संसार में कोई फर्क नहीं रहेगा. ओके, बट यू हैव टू लिव डिफरेंट. हमें थोड़ा अलग रहना है. आमेन, प्रेज गॉड. ओके, और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने के टप्पे पर भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा. यीशु मसीह घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा. ओके, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. इंटरेस्टिंग. आप जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरने जा रहा है और क्रूस पर मरने के कारण वो पिता से अलग हो जाएगा. वो पिता से अलग हो जाएगा और पिता से अलग होने के कारण वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं. क्योंकि जब तक मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा आपके बच्चे आपके साथ एक नहीं होंगे. वो बोल रहा है लेकिन पिता जब से मैं आपके साथ स्वर्ग में था और जब मैं पृथ्वी में प्रकट हुआ आज तक मैं आपके साथ था. ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपके साथ अलग हो जाऊं. उसने कहा प्रभु कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. कुछ लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है आप जानते हैं कि वो स्त्री वो पुरुष प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप यीशु की तरह कहेंगे प्रभु मैं जानता हूं प्रभु ये आपकी इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं वो व्यक्ति को साइड में रखूंगा और मैं आपकी इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इंतजार करूंगा. कैन यू डू दैट? क्या आप कर सकते हैं?
यीशु मसीह ने कहा, सुनो पिता, मैं क्रूस पे नहीं जाना चाहता। वो बोल सकते थे, पूरी दुनिया जाने दो, वैसे भी पापी हैं। वो बोल सकता था कि मुझे इनके लिए नहीं मरना है, क्योंकि मुझे आपसे अलग नहीं होना है। उसने कहा था वचन में कि एक भी क्षण मैं अपने पिता से अलग नहीं हुआ हूं, लेकिन क्योंकि ये आपकी इच्छा है, मैं अपने कपड़े को लेता हूं, उसे साइड में डालता हूं और आपकी इच्छा को पहन लेता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, नेक्स्ट वर्स। तब स्वर्ग का एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वेरी पावरफुल। जब हम स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। वर्स 44। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। आप सोचिए, नेवर ही हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द फादर। वो कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हुआ है, और ऐसा समय आया है कि उसे अपने पिता से अलग होना है। वो बोलता है कि उसका हृदय वेदना से भर गया, उसे कबूल नहीं कर पाया। थिंक अबाउट इट। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। आप जानते हैं ये चीज क्या है? लूका, जिसने ये किताब को लिखा है, वो डॉक्टर था। जिसने किताब को लिखा है वो समझता है, वो जो मेडिकल टर्म्स जो है वो समझता है, क्योंकि वो डॉक्टर है। आपके माथे से जब पसीना आता है, पसीना का एक जगह है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स, जहां से जब आप भागते हैं या फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, खाते रहते हैं या फिर भागते रहते हैं, तो आपको पसीना आता है। वो पसीना आने का एक जगह है, और वो जो ग्लैंड है, वो जो कवच है, वो कवच के चारों ओर ब्लड वेसल्स हैं जो उसको घेरे हुए हैं। जब एक व्यक्ति बहुत टेंशन में होता है, बहुत अधिक टेंशन, मतलब इतना टेंशन कि आदमी सोच नहीं सकता, वो टेंशन के कारण वो ब्लड वेसल्स वो इतने मोटे मोटे होकर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। वही हुआ यीशु मसीह के साथ। वो जब पसीना का जो पात्र था, उसके चारों ओर जब लहू का जो वेसल था, उसको इतना टेंशन था कि प्रभु मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हुआ हूं, लेकिन अभी अलग होने का समय है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं मैं करूंगा, आई विल डू इट। और वो टेंशन इतना अधिक था कि वो ब्लड वेसल्स फट गया, और वो फटने के कारण वो लहू उसके पसीने के साथ मिला, और वचन में लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर पड़ा। इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन। ये ऐसा कंडीशन है जहां पर इट इज अ वेरी रेयर, 1 in a million, क्योंकि उतना स्ट्रेस, उतना तनाव कोई फेस नहीं करता है। वो यीशु मसीह ने किया, मैं पिता से अलग होने जा रहा हूं, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी इच्छा को पहन लूंगा। और वो स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वो ब्लड वेसल्स फट गया, वो लहू उसके पसीने में गया, और पसीने के साथ उसका लहू नीचे आया। इट्स कॉल्ड हेमाटिड्रोसिस, वो कंडीशन का नाम। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आप सोचिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, व्हाट ही डिड फॉर अस। वो बोल सकता था ये लोग पापी हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है। आप सोचिए, जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ जीसस। यीशु, उसमें आपका कुछ फायदा नहीं है, विल यू स्टिल डू इट? ये जानकर कि 50 लोग के लिए जो आप मरे हैं, 20 लोग उसमें से आपको देखेंगे भी नहीं, क्या आप फिर भी मरेंगे उनके लिए? जिसमें आपका कुछ फायदा नहीं है, या फिर भी आप अपने लिए अपना जान उनके लिए देंगे? जब हम समझ जाएंगे कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं, कलीसिया में सबसे पहले आप होंगे, सुसमाचार बताने के लिए सबसे पहला आप होंगे। वचन में स्विम, वचन के समुन्द्र में तैरना, उसकी गहराई में घुस जाना,
इसीलिए नहीं क्योंकि करना है, पास्टर ने बोला है 6 अध्याय पढ़ना है ना, तो संडे को पूछूंगा मैं। बोले पढ़ो पढ़ो, पास्टर ने बोला। मजबूर बच्चों को जैसे मजबूर करना पड़ता है, पढ़ो, किधर है स्केल, पढ़ो वचन। बेबीज, और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो वचन में मजबूत हैं, वो तैर रहे हैं, दे आर डाइविंग, वो वचन के सम, आपने देखा जो स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं, वो ऐसा खड़े हैं और वो वचन में उन्होंने जंप किया है और वो उसमें तैर रहे हैं, दे आर जस्ट स्विमिंग, और वो और गहराई में जा रहे हैं। व्हाट अ प्लेस टू बी, इट्स एक्सेलेंट। ओके नाउ, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और, ओके लेट्स गो टू वर्स 43 और वर्स 42। ओके या दिस इज माय वर्स, कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अभी ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का एक इच्छा था, परमेश्वर पिता का एक इच्छा था, हमेशा आपका एक इच्छा रहेगा और परमेश्वर का एक इच्छा है आपके लिए, हमेशा आपको और मुझे, आपकी एक इच्छा है। जैसे मेरा इच्छा था यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, मुझे मेरा इच्छा था मुझे इधर जाना है, मेरा इच्छा था मुझे इससे विवाह करना है, मेरा इच्छा था कि मुझे ये सब करना है, आपका एक इच्छा है, वैसे ही परमेश्वर का एक इच्छा है आपके लिए। क्या आप अपने इच्छा को दे देंगे ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पहन लें? अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह बोलता है मेरी इच्छा है वहां पर जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मैं यहां पर जाऊं, इसीलिए प्रभु मैं अपनी इच्छा को साइड में करता हूं और मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। ये चीज है, आपका एक इच्छा है, यू हैव अ विल, यू हैव अ विल, मैं ऐसा करूंगा ये करूंगा। कोई कोई परमेश्वर को पूछता ही नहीं है क्या करना है, इसके बाद ये करूंगा, 12th के बाद ये करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद ये करूंगा, ये कंपनी में काम करूंगा, ये स्त्री, ये सिस्टर के साथ शादी करूंगा, ये ब्रदर के साथ शादी करूंगा, फिर हमारे 2 बच्चे होंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, और फिर परमेश्वर से पूछो, हाँ पूछेंगे सब, किधर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर पूछेंगे, गड़बड़ हुआ तो पास्टर तो है, हम आगे प्रार्थना करेंगे। नहीं, शुरू करने से पहले आपका एक इच्छा है, आपका एक इच्छा है, हम सबका एक इच्छा है, लेकिन परमेश्वर का भी एक इच्छा है। फाइंड आउट, आप ढूंढिए कि उसका इच्छा क्या है, उसने आपको बनाया है, ऐसी बना के छोड़ नहीं दिया, उसने सबसे पहले आपके बगीचे को तैयार किया, आपको बनाने से पहले उसने ये बनाया कि आप क्या करेंगे, मछली बनाने से पहले समुंदर बनाया, पक्षी बनाने से पहले आकाश बनाया, आदम बनाने से पहले बगीचा बनाया, आदम को वहां डालने से पहले, आपको बनाने से पहले आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, वो समुंदर, वो बगीचा तैयार है। आप ढूंढिए कि आपको क्यों बनाया गया, व्हाई डिड गॉड मेक यू, क्यों, Why did God make you? Why did God make you? Okay. आपका एक इच्छा है, परमेश्वर का एक इच्छा है, आप ढूंढ कर निकालिए कि प्रभु ने आपको क्यों रखा है। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, you are dangerous. बहुत लोग मर गए हैं, many believers have died. बहुत लोग, बहुत विश्वासी लोग इस बहुत जल्दी इस जगह से चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का इनकार किया। देखिए, आपकी सुरक्षा वो जगह पर है, आपकी सुरक्षा वो जगह पर है, आपका धन वो जगह पर है, आपका अनुग्रह, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर आप यहां पर छोड़कर यहां पर है, सैतान कैन किल यू, शैतान आपको मार सकता है, he'll destroy your life, लेकिन ये जो जगह है, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, जो बगीचा आपके लिए बनाया गया है, जब आप इस जगह में हैं, आप सुरक्षित हैं।
जब आप इस जगह में हैं आपको आनंद है, जब आप इस जगह में हैं आपको अनुग्रह है, आपके पास धन है। परमेश्वर की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए माता पिता, जो माता पिता यहाँ पर हैं, बहुत माता पिता यहाँ पर हैं, आप जानते हैं कि आपकी एक इच्छा है कि मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, मेरी बेटी ऐसा करना चाहिए। आपका इच्छा है, सबका इच्छा है, लेकिन आप अपने इच्छा को यहाँ पर रखिए और आप पूछिए, प्रभु मेरी बेटी के विषय में, मेरी बेटे के विषय में आप क्या चाहते हैं? What do you want? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। फिर मैं प्रभु से पूछना चाहता, प्रभु आपका इच्छा, क्यों आपने इस बेटे को हमें दिया है, क्यों इस बेटी को हमारे घर में दिया है, ये बच्चे का मकसद क्या है? अगर आप उसे पता करें, बहुत बच्चों के जैसा नहीं, आपका बच्चा यीशु मसीह की तरह 12 साल की उम्र में उसे पता रहेगा कि उसका मकसद क्या है। हालेलुया, 12 साल की उम्र में। इसीलिए नहीं ताकि आप रिश्तेदार को बता सके कि ये वो उधर बैठ के फोटो खींच रहा है, तो मेरे को फोटो क्यों खींच रहा है? ओके, लेट्स गो टू द स्लाइड। नंबर वन, ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई लाइक दिस पिक्चर। एक रास्ता है, आपका भी एक रास्ता है, लेकिन परमेश्वर का एक रास्ता है, ये सुरक्षित है, ये सही लोगों के साथ भरा हुआ है, ये आनंद के साथ भरा हुआ है। क्या आप वो रास्ते में हैं कि आप अपने ही रास्ते में हैं, जो आपको लगता है आपकी इच्छा है, आपके जो आपको जो मजा आता है, क्या आप उसमें हैं कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? ओके, नंबर वन, सबसे पहला चीज इज फाइंड आउट गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा की खोज करें। परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है? व्हाट डज ही वांट फॉर यू? परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है? व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू? मतलब बहुत लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं आपके बारे में, सुनो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें वैसा करना चाहिए, मुझे लगता है हम सब हमारे परिवार में सब यही करते हैं। क्या करना चाहिए आपको? व्हाट शुड डू? सब लोग यही कर रहे हैं तो वही करो। सी, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा की खोज करें, उसे बनाइए नहीं। बहुत लोग परमेश्वर की इच्छा को बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं पौलुस ने कहा, मैं प्रेरित हूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वो अपने आप प्रेरित बना नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं प्रेरित हूं किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हर एक इच्छा है, गॉड हैज अ विल फॉर यू, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, फाइंड आउट, ढूंढ के निकल, उसे बनाइए मत। बहुत लोग बनाना चाहते हैं, नहीं वो बगीचा पहले से तैयार है, उसे बनाइए मत। बहुत लोग बोलते हैं हमारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम बगीचा बनाएं। नहीं, आपका जन्म बगीचा बनाने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म बगीचे के कारण हुआ है। आपका जन्म ये सबूत है कि आपका बगीचा तैयार है। आपका काम है कि वो बगीचा कहाँ पर है उसे ढूंढिए। क्या है वो बगीचा? उसे ढूंढिए, उसके अंदर आ जाइए और अपना जीवन जी, लिव योर लाइफ, फाइंड आउट दैट गार्डन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। फिर सवाल ये है, जहां पर भी मैं जाता हूँ, पिछले हफ्ते मैं नागपुर में था, जहां पर भी मैं जाता हूँ, सबसे बहुत ये सवाल बहुत आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बहुत बहुत यहाँ पर भी बहुत लोग हैं, आप हाथ में उठाए, बहुत लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। दे डोंट नो इट। वो जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन वो क्या है, उसको कैसे हम पता करें, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट शो यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा को खोजें। आपके माता पिता आपसे कुछ कहेंगे, आपके पति, आपके 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 रिश्तेदार, आपके कॉलेज वाले, आपके टीचर आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे जो उनको लगता है कि आपको करना चाहिए। दैट्स व्हाट दे थिंक। लेकिन परमेश्वर की एक इच्छा है जो पर वो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जो बगीचा है ना,
वो बगीचे में प्रभु ने वो बगीचे को देखा, वो बगीचे में जितना स्किल आपको लगेगा, वो बगीचे में जितना जो कुछ आपको लगेगा, आपको वैसा बनाया गया है ताकि एकदम वो बगीचे में आकर आप फिट हो जाएं। मतलब वो काम जैसा आप कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उस बगीचे को मन में रख के आपको बनाया गया है। इसीलिए जब एक मछली पानी में तैरती है तो वो थकती है, लेकिन एक पक्षी पानी में तैरेगी तो उसका जगह नहीं है वो। हम में से बहुत लोग ऐसे जगह में हैं जैसे मानो पक्षी समुंदर में है। पक्षी तैरने का कोशिश कर रहा है, दो बार मारता है, थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि पक्षी का जगह समुंदर नहीं है। हम में से बहुत लोग ऐसे जगह में हैं जहां पर हमें होना नहीं चाहिए, वो हमारा जगह नहीं था, लेकिन हम घुस गए क्योंकि सब वही कर रहे हैं। ढूंढिए, फाइंड आउट गॉड्स विल, ढूंढिए कि वो बगीचा कहां पर है, ढूंढिए कि क्यों आपको बनाया गया है। वहां पर आपको आनंद होगा, वहां पर आप पूरी रात बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए बनाया गया है। मच्छी जब तैरता है उसे बहुत मजा आता है, पक्षी जब उड़ता है उसे बहुत मजा आता है, वैसे एक व्यक्ति जब अपनी बुलाहट में रहता है उसे बहुत मजा आता है। वो ओवर टाइम के लिए डरता नहीं है, उसको बोलेगा ज्यादा टाइम बैठो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसी के लिए उसे बनाया गया है। यही मेरा मकसद है, ये मेरी बुलाहट है, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। आई लव इट, अपनी बुलाहट को आई लव इट। ओके, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पहचानेंगे या खोजेंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यरमाया, आई वांट टू शो यू, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को खोजें और आप दूसरों की भी सहायता करें। यरमाया 29 उसका 11, 29:11। You have a specific plan, एक specific plan है आपके लिए। There's a specific plan। कितने भी आप छोटे हो, परमेश्वर ने एक काम सोचा और वो काम को प्रभु ने देखा और फिर आपको धरती में आजाद किया। आपका जन्म लेना ये सबूत है कि आपका काम तैयार है। इंसानों की तरह नहीं है परमेश्वर, ये आ गया और परमेश्वर बैठ के सोच रहा है अभी क्या करें इसके साथ, इसको कहां डालें। नहीं, आपका जन्म सबूत है कि आपका बगीचा तैयार है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। थैंक यू लॉर्ड। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजनाएं हैं। आप व्यर्थ नहीं हैं। आपका जितना भी पगार हो, आपकी पढ़ाई कितना भी कम हो, अगर आपका जन्म हुआ है मतलब परमेश्वर का एक स्पेसिफिक प्लान आपके लिए है। कितना भी हो पगार, कितना भी आपका एजुकेशन कम हो या PhD लेके बैठे यहां 50, अगर आपका जन्म हुआ है परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है। यू आर नॉट यूजलेस, यू हैव अ स्पेसिफिक प्लान। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। ओके, लेट्स गो टू द स्लाइड। ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर को आपके लिए एक इच्छा है, आपके परिवार के लिए एक इच्छा है, आपके विवाह के लिए एक इच्छा है, आपके बच्चों के लिए एक इच्छा है, आपकी सेवकाई के लिए एक इच्छा है। आप उस इच्छा को पता कीजिए। लोगों को खुश मत कीजिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या पसंद है, लोगों को छोड़ दीजिए। लोगों ने आपको नियुक्त नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको बैठाया है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लोग ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पीछे नहीं है, आप परमेश्वर के पीछे हैं। आमीन। ओके ओके, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को खोज करें? नंबर वन, कैसे? सबसे पहला चीज, रिन्यू योर माइंड। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने मन को नया करें, अपने मन को नया करें।
रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करें। बहुत लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, विश्वास में 10 साल से हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को नया नहीं किया। एक अविश्वासी के लिए, मतलब जो संसार में जितने लोग हैं, एक अविश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है यीशु मसीह को जानना। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक अविश्वासी के लिए, एक अविश्वासी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ अनबिलीवर इज टू बी बोर्न अगेन। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। एक अविश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका उद्धार होना, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक बार एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, वो बॉर्न अगेन हो जाता है, एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके सोच को बदलना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपका उद्धार हुआ है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो सवाल यह है अब क्या? आप जानते हैं अब क्या? अब अपने मन को आप क्या करें? नया करें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हम विश्वासियों को देखते हैं, वो विश्वासी अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, जीसस का शर्ट भी पहनते हैं, जीसस लिख भी दिया है कहीं पर, लेकिन बोलना संसार की तरह, गाली मुंह से छूटता नहीं है, झूठ ज्यादा नहीं, 3-4 तो चलता है हर दिन। विश्वासी हैं लेकिन संसार की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा उद्धार हो गया तो सब खत्म हो गया। विश्वासी हैं, संसार की तरह बोलते हैं, संसार की तरह सोचते हैं, संसार की तरह छुप छुप के चीजों को करते हैं, पूरा संसार है, लेकिन संडे को चर्च में आते हैं और जीसस का बड़ा शर्ट पहना है ताकि पता चले कि हम विश्वासी हैं। क्यों? क्यों विश्वासी लोग सांसारिक हैं? क्यों विश्वासी लोग शारीरिक हैं? आप जानते हैं एक कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने सोच को बदला नहीं है। They did not change their mind. एक बार आपका उद्धार हो जाता है, उद्धार होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके सोच को आप बदलिए, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण। आप जानते हैं क्यों ये लोग ज्यादा नहीं करते, क्यों विश्वासी लोग ज्यादा नहीं करते? क्योंकि इसमें काम है, उद्धार के लिए काम है। आप उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, उद्धार हो गया एक सेकेंड में। लेकिन ये जो है इसमें बहुत काम है, मन को नया करना, सोच को बदलना, इसमें बहुत काम है। और क्योंकि इसमें काम है, बहुत विश्वासी लोग इसे करना नहीं, they don't want to do it, वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब तक आपका मन नया नहीं होगा, आप परमेश्वर की इच्छा को कते ही पहचान नहीं पाएंगे, आप पहचान नहीं सकते हैं। जब तक आपके मन को, नए मन को मत लाइए। कोई बोलते हैं नया मन कहीं मिलता है क्या? नया मन सीधा पूरा एकदम क्लीन करके ही नया मन नहीं लाना है हमें। वचन में लिखा है कि जो आपका मन है उसे आप क्या करें? नया करें। पिछले दिन हमने इसमें केक रखा, या केक रखने के कारण ये थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा केक लग गया इसमें। वो व्यक्ति आया, उसने क्या किया? इसको नया किया। वैसे ही जो आपका मन है, हम अविश्वासी थे, हमारा सोच बिगड़ गया था, लेकिन अभी नया व्यक्ति यहां पर आया है, लेकिन सोच वैसा ही है। इसीलिए वचन जो कि पानी है, वो पानी, आप जानते हैं वचन में लिखा है कि वचन पानी है, इस पानी को लीजिए और हर दिन अपने मन को धोइए। जैसे आप हर दिन नहाते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, हर दिन आप ब्रश करते हैं, हर दिन आप कपड़ा पहनते हैं, हर दिन आप खाना खाते हैं, हर दिन, वैसे ही हर दिन आप पानी को लेते हैं और अपने मन को क्या करते हैं? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मेरा सोच था कि माफ करो लेकिन भूलो मत। क्या सोच है? उसका मतलब है आपने माफी नहीं किया। माफ करो, बोल दो कि मैंने आपको माफ किया, अगली बार दिखे तो छोड़ना नहीं, बस माफ करो लेकिन भूलो मत, वो मेरा सोच था। अभी मैं वचन में आया, मेरा उद्धार हुआ, किसी ने मुझसे कहा वचन पढ़ो, और मैं वचन पढ़ रहा था, वचन में लिखा है माफ करो और भूल जाओ। अभी मेरा सोच है, क्योंकि संसार में वो चलता है, माफ करो भूलो मत,
वचन में लिखा है माफ करो, भूल जाओ। मन को नया करने का मतलब है अपने सोच को लो, परमेश्वर के सोच से बदल दो। मैं ऐसा सोचता था कि भूलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा माफ करो और भूल जाओ, तो मैंने उसके सोच को अपना सोच बना दिया। आज से मैं सिर्फ माफी नहीं करता, मैं क्या कर देता हूं, भूल देता हूं। That's when you exchange your thoughts, कि मेरा सोचता है कि सब एक है। वचन बोलता है सब एक नहीं है, एक ही है। क्या आप अपने सोच को बदल सकते हैं? Can you change your mindset? क्योंकि जब तक आपका सोच बदलेगा नहीं, जब तक आपका सोच बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। उद्धार पाना बहुत आसान है, यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिल गया, आमेन। लेकिन अगर आप अपने मन को बदलना चाहते हैं, ये हर दिन का काम है। हर दिन आपको अपने मन को धोना है वचन से, अपने सोच को लेना है, परमेश्वर के सोच को लेना है और बदलना है, अपने सोच को बदलना है। जब तक आपका सोच बदलेगा नहीं, आपका जीवन बदलेगा नहीं, नेवर। इसीलिए देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है, क्यों विश्वासी लोग सांसारिक लोग की तरह हैं? क्यों विश्वासी लोग सांसारिक लोग की तरह बातें करते हैं? Why? So many. 75% विश्वासी संसार की तरह क्यों? मन को नया नहीं किया, सोचा उद्धार मिल गया। जैसे हमारे एक पास्टर ने कहा था, उन्होंने कहा कि जब तुम्हें उद्धार मिलता है, तुम टिकट काट के बैठे हो, तो टिकट ले लिया, ट्रेन में घुस गए, बोला बस हो गया, अभी और कुछ नहीं करना है, ट्रेन सीधा जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा। तो वो टिकट मिल गया और टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए, उद्धार हो गया हमारा। दैट्स नॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ नहीं है। उद्धार हो गया बहुत अच्छी बात है, अभी अपने मन को नया कीजिए, अपने मन को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। आप सांसारिक नहीं है, आप स्वर्ग से आए हैं, अपने सोच को बदलिए। चेंज एवरी डे, दैट्स वाई हम आपसे बोलते हैं, सुनिए वचन को, बोलिए, स्पीक द वर्ड। हर दिन आप वचन को सुनिए। जो बहुत लोग करते हैं, वो काम कर रहे हैं, वो घर में है, खाना बना रहे हैं, पीछे वचन चल रहा है। वो वचन, आप आत्मा हैं, वो वचन आपकी आत्मा में गिरते जा रहा है। एक दिन वो बॉटल भरेगा और बॉटल के मुंह से पानी बाहर आएगा। वो भरते रहिए। एक विश्वासी के लिए, फॉर अ बिलीवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिन्यू देयर माइंड। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस साल में एक बार आता है, बराबर है, एक बार। बहुत लोगों के लिए मन को नया करना साल में एक बार आता है, क्योंकि उनको लगता है साल में एक बार ही नहाते हैं। हर दिन ये कोई त्योहार नहीं है जो साल में एक बार करते हैं हम लोग, ये कोई स्वतंत्र दिवस नहीं है जो साल में एक बार करते हैं, ये हर दिन हम अपने सोच को बदलते हैं। हर दिन, प्रभु मैं जब तक आप वापस ना आ जाएं, मुझे अपने सोच को बदलना है, मुझे अपने पैसों के विषय में मुझे अपने सोच को बदलना है, परिवार के विषय में मुझे अपने सोच को बदलना है, पत्नी के विषय में, संसार पत्नी को कैसा देखता है वैसा प्रभु नहीं देखता, प्रभु पत्नियों को अलग नजर से देखता है, मुझे अपने सोच को बदलना है। आई मस्ट चेंज इट। ओके, रोमियो 12 अगर आप विश्वासी हैं, कोई आपसे कहेगा आपका सबसे बड़ा काम क्या है, अपने सोच को बदलिए। चेंज योर माइंडसेट, दैट्स द प्रॉब्लम। चेंज योर माइंडसेट, अपने सोच को बदलिए, अपने देखने के तरीके को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। चेंज योर माइंडसेट, चेंज इट, चेंज योर माइंडसेट। ओके, नो, वर्स 2। इस संसार, आप देखिए पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, इस संसार के दोस्त मत बनो। मतलब कलीसिया में बहुत लोग सांसारिक हरकतें कर रहे थे, रोम की कलीसिया में। इस संसार के सदृश या दोस्त मत बनो, परंतु तुम्हारे मन
के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। विश्वासी होना एक बात है, लेकिन अगर आप चाल चलन बदलना चाहते हैं, वो तभी होगा जब आपके मन को आप क्या करेंगे, नया करेंगे। जब तक मन नया नहीं होगा, आपका चाल चलन बदलेगा नहीं। इसीलिए बहुत से विश्वासी लोग सांसारिक हैं। उनका चाल चलन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उनका मन बदला नहीं। मैं आपको वापस बोलना चाहता हूं, इफ यू आर अ बिलीवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू रिन्यू योर माइंड विद गॉड्स वर्ड एवरी डे। अगर आप विश्वासी हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने मन को वचन के द्वारा हर दिन नया करें। हर दिन इफ यू डू इट, आपका चाल चलन बदलता जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। जिससे अभी देखिए, हम सुन रहे हैं परमेश्वर की इच्छा। अगर तुम अपने मन को नया करोगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या कुंजी है, व्हाट अ की, क्या कुंजी है ये वचन में। उसने कहा, अगर तुम में से किसी को भी नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपने मन को क्या नहीं किया है, नया नहीं किया है। जिस दिन तुम अपने मन को नया करो, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी और यह भी मालूम होगी कि परमेश्वर की इच्छा भली है, परमेश्वर की इच्छा भावती है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा नहीं पता, वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने मन को नया नहीं किया। उसको लगा उद्धार हो गया, बस खत्म, टिकट काट के बैठे हैं। उद्धार हो गया, खत्म। उद्धार शुरुआत है। आप देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप टिकट काट के बैठे हैं, जैसे वो पास्टर बोलते हैं, टिकट काट के बैठे हैं। टिकट काट के मतलब स्वर्ग का टिकट है, आप स्वर्ग में हैं। लेकिन जब तक आप स्वर्ग में पहुंचते हैं, मतलब यहां से जहां पर आप हैं यहां तक, ये जो सफर है, ये स्वर्ग के दिन हो सकते हैं या नर्ग के दिन हो सकते हैं, और वो सब निर्भर करता है कि क्या आप अपने मन को नया करेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है, क्योंकि आप स्वर्ग जा रहे हैं, क्यों ना हम स्वर्ग के दिन जीकर स्वर्ग जाएं। स्वर्ग के दिन विवाह में, स्वर्ग के दिन पैसों में, जरा सोचिए, स्वर्ग के दिन पैसों में, स्वर्ग के दिन सेहत में, स्वर्ग के दिन पति पत्नी के बीच में, स्वर्ग के दिन। और परमेश्वर बोलता है, सुनो, तुम स्वर्ग जा रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया है, कोई तुम्हें स्वर्ग से रख नहीं सकता। अभी परमेश्वर बोलता है, सुनो, ये जो सफर है, यहां पर अगर स्वर्ग के दिन जीना चाहते हो तो अपने मन को नया करो। अगर अपने मन को नया नहीं करोगे तो बीमार हैं, कर्ज में हैं, बुरी आदतें में हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए जो सफर है वो नरक से भरा हुआ है। डोंट डू इट, अपने मन को नया कीजिए। स्वर्ग तो जा रहे हैं, थोड़ा स्वर्ग आजमा लीजिए धरती में ही। Amen. स्वर्ग के दिन शरीर में, थिंक अबाउट इट, 120 साल प्रभु ने आपको दिए हैं, और वो 120 साल अगर आप ठीक से पढ़ें, 120 साल उन लोगों के बारे में था जिनके अंदर आत्मा, परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। वो सिर्फ शरीर, मतलब आपका जो शरीर है, योर फिजिकल बॉडी, जो शरीर में आप रहते हैं, वो शरीर 120 साल तक जी सकता है, 120 साल। लेकिन हमें, हमारे पास सिर्फ शरीर नहीं है, ये शरीर का एबिलिटी, ये शरीर जो आप में है, ये शरीर का एबिलिटी 120 साल है। कोई बोलते हैं, नहीं, 70 और 80 साल में हमें मरना है। मूसा, जिसने वो लिखा, वो खुद 120 साल में मरा, ठीक है। तो वो जो लोग के बारे में लिखा है, वो उन लोगों के बारे में है जो कुड़कुड़ाते थे,
वो परमेश्वर का बलवा करते थे, ऐसे लोग 70 में चले जाएंगे। लेकिन 120 साल है आपका ये शरीर, 120 years this can live without the Holy Spirit। लेकिन आप सोचिए आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो तो फिर मिनिमम है। Oh glory to God, mama। बहुत लंबे समय तक हम हैं यहाँ पे, ठीक है? इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर तुम अपने मन को नया करो तो तुम परमेश्वर की इच्छा को पता करोगे, और यह भी पता करोगे कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा से बली है, परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा से भावती है, और परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा से सिद्ध है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मैं थोड़े जगह में जाता हूं, वो जब परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं वो उसका सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप ये कीजिए, लेकिन वो उसका सामना करते हैं। देखिए, उनका मन बोल रहा है कि वो इच्छा गलत है, क्योंकि कब आप बोलेंगे कि वो इच्छा अच्छी है? जब ही आपका मन, क्योंकि अगर आपका मन नया नहीं हुआ है तभी आप बोलते हैं नहीं, वचन बराबर नहीं है, उसका आप सामना करते हैं, क्योंकि आपका मन बदला नहीं है। अगर आपका मन बदला होता तो आप ये बोलते कि परमेश्वर की इच्छा भली है, बहुत अच्छी, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है, मतलब इससे अच्छा कोई इच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एक विश्वासी बोलता है कि यार परमेश्वर की इच्छा क्या बेकार है, मतलब उसका मन नया नहीं हुआ। क्योंकि अगर मन नया हुआ होता वो बोलता कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोच्च है। अपने मन को नया करें, चेंज योर माइंड, चेंज इट, चेंज द वे यू थिंक। अपने सोच को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, चेंज द वे यू थिंक, चेंज इट, अपने सोच को बदलिए, इट विल चेंज योर लाइफ। परिवर्तन, चाल चलन कब बदलता है? जब आपका मन बदलता है। मन बदलेगा नहीं तो चाल चलन कभी नहीं बदलेगा। अपने अपने वचन को लीजिए, वचन पानी है, वो बर्तन को लीजिए। शाम का डिनर हो गया, बर्तन खराब हो गया, अभी पानी के पास लेके जाइए, सोप डालिए और बर्तन को क्या कीजिए, नया कीजिए, नया लेके फिर शेल्फ में रख दीजिए। आपका मन सांसारिक चीजों से गंदा हो गया है, सोच बिगड़ गया है, वापस पानी में आइए, पानी में लेके इसे बदलिए। जितना अधिक आपका सोच बदलेगा, दैट विल बी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जितना अधिक आपका मन बदलेगा उतना क्वालिटी आपका जीवन होगा। योर लाइफ विल बी क्वालिटी, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी वर्ड्स। ओके, नाउ योहन्ना, योहन्ना 8 उसका 31 और 32। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, कैसे अपने मन को नया करें, अपने मन को नया करें, अदरवाइज यू विल नेवर नो। आप बहुत विश्वासियों की तरह 80 साल हो गए हैं, 50 साल यीशु पर विश्वास किया और आज भी नहीं जानते कि वो मकसद क्या था। कितने विश्वासी हैं, आप पूछे मत, इतने विश्वासी हैं जिन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया। हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से लोग हैं, हम अपने मन को नया करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी उन पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, नेक्स्ट वर्स, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद। एक आप पक्षी को लीजिए, पक्षी को पानी में डालिए और वो पक्षी फ्रस्ट्रेट है क्योंकि पानी उसका जगह नहीं है, लेकिन उस पक्षी को आप पानी से लीजिए और स्वर्ग में डालिए, वो स्वतंत्र हो गया। आप जानते हैं इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का मतलब है कि अपने आप को वचन में डालो। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो
तुम सत्य को जानोगे, परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, और जब तुम सत्य को जानोगे, परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, वो परमेश्वर की इच्छा तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। जैसे एक पक्षी स्वर्ग में आजाद हो जाता है, जैसे एक मच्छी समुद्र में आजाद हो जाता है, वैसे आप जब आप वचन में बने रहेंगे, अपने मन को नया करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आपको कुछ चीज़ें पता चलेगा, और जब आपको वो चीज़ें पता चलेगा, आप आज़ाद हो जाएंगे। यू विल बी फ्री, देर विल बी नो मोर फ्रस्ट्रेशन। ऐसा नहीं होगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फ्राइडे आते ही सेलिब्रेशन हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है। फिर मंडे आते, काय को आता है मंडे? ओके, कोलोसियों 1, कुछ प्रार्थनाएं मैं आपको देना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थनाओं को हर दिन करें। एवरी डे डू इट, हर दिन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पहचानना चाहते हैं तो ये प्रार्थनाओं को डू इट एवरी डे, डोंट मिस इट, डू इट एवरी डे। ये एक कारण है जैसे मुझे पता चला कि मेरी परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या थी, कौन सा जगह है, कौन सा जगह में मुझे रहना है, किसके साथ विवाह करना है, कौन से काम को करना है। वो सब बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल में लिखा है आपको आपका विवाह किसके साथ है? नहीं लिखा है। आपको पवित्र आत्मा से पता करना है। आमेन। और ओके, लेट्स गो टू कोलोसियंस 1:9। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना आप हर दिन, डू इट एवरी डे, कोलोसियंस 1:9। और मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ये प्रार्थना कैसे करता हूं व्यक्तिगत रूप में। इसीलिए जिस दिन से यह सुना, मैं भी ये प्रार्थना करता हूं और विनती करना नहीं चूकता कि मैं, या फिर मैं जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं और मेरा परिवार, मेरे कलीसिया, फिर उनके नाम लेता हूं कि मैं और हम सब सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाएं। ये आपका हर दिन का प्रार्थना होना चाहिए। आई एम फिल्ड विद द विल ऑफ गॉड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल विजडम। आई नो आई एम फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल। ये आपका हर दिन का प्रार्थना होना चाहिए। एवरी डे, डोंट फॉरगेट टू डू इट। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे कलीसिया के लोग परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो गए हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। ये हर दिन आपको प्रार्थना करना जरूरी है। एवरी डे, डोंट फॉरगेट टू डू इट। और अगर आप अधिकारी हैं, अगर आप पिता हैं, यहाँ पे डैडी हैं, ये जो वचन है, ये हर दिन आपको अपने पत्नी के लिए, आपको अपने बच्चों के लिए और आपको अपने आप के लिए करना बहुत जरूरी है। वेरी, अगर आप मम्मी हैं यहाँ पे, अगर आप पत्नी हैं यहाँ पे, ये वचन को आपको लेना है और आपको बोलना है कि मेरा पति, मेरे बच्चे और मैं, हमारा परिवार परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण है। वी आर फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल। आप सोचिए, आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आप ये मत बोले बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, क्योंकि पड़ोसी आ रहे हैं कल। आप उनके ऊपर हाथ रखिए, बोले प्रभु, दे आर फिल्ड विद, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे मस्ट डू। उनको पता है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके बच्चे यीशु मसीह की तरह 12 साल की उम्र में है, थिंक अबाउट इट, दे विल डू व्हाट गॉड वांट्स देम टू डू। इससे अधिक और क्या है? कितना पैसा है परमेश्वर की इच्छा से? क्या कोई भी पैसा है परमेश्वर की इच्छा से बड़ा है? आप जानते हैं, एक बार यीशु मसीह की मम्मी और यीशु मसीह के भाई बहन नीचे गेट के सामने खड़े हैं, ठीक है, गेट के सामने खड़े हैं, और यीशु मसीह यहाँ पे प्रचार कर रहा है, और किसी को भेजा, वो ऊपर आके बोलते हैं, सुनो, आपकी मम्मी और आपके रिश्तेदार रुके हुए हैं। उसने कहा, कौन है मेरी मम्मी, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं,
वो मेरी मम्मी है. हालेलुया, हालेलुया. बोला वो बाहर नहीं है, जो यहां पर हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो मेरी मम्मी हैं, वो मेरे भाई हैं और वो मेरी बहन है. बिग स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट. ओके, तो आप, मैं आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक प्रार्थना है जो मैं कलीसिया के लिए करता हूं, क्योंकि आई एम अथॉरिटी, मैं यहां पर अधिकार हूं. सो ये प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं एवरी टाइम, कि प्रभु हमारे लोग स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग और आपकी इच्छा से वो परिपूर्ण हो जाए, कि हमारी कलीसिया का हर एक सदस्य ये जाने कि परमेश्वर की इच्छा, वो बगीचा उस व्यक्ति के लिए कौन है, उसे पहचाने, उस बगीचे में वो घुस जाए, अपने काम को पूरा करें और स्वर्ग चले. जस्ट फिनिश इट एवरी डे. बट अगर आप अधिकारी हैं तो आपके लिए, आपको ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. अगर आप अधिकारी नहीं हैं, आप खुद हैं, अकेले में हैं, आप अपने लिए ये प्रार्थना करें हर दिन, मैं परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण हूँ, आधा नहीं हूँ, 3/4 नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा से क्या हूँ, परिपूर्ण. और कुछ मायने नहीं रखता है, घर मायने नहीं रखता, गाड़ी मायने नहीं रखता, कितना आपका पगार है मायने नहीं रखता, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं है कुछ भी मायने नहीं रखता. एवरीथिंग एल्स इज अ वेस्ट. ओके, एफिसियो एक. एक और प्रार्थना मैं चाहता हूं कि आप देखें, और मैं चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना करें, डोंट फॉरगेट टू डू इट. एफिसियो एक, उसका 16, 17 और 18, 16, 17, 18, 19, ये चार वाक्य मैं चाहता हूं कि आप हर दिन प्रार्थना करें, एवरी डे, डोंट फॉरगेट टू डू इट. मैं अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, मेरे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में मैं उन्हें स्मरण, अपने आप को, अपने पति को, कलीसिया के लोग को स्मरण किया करता हूं. वो 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान हो, प्रकाश हो. ओके, वो 18, और तुम्हारी मन की आंखें, आत्मा की आंखें खुल जाएं, ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. वर्स 19, और उसी की सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसी की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. कलीसिया, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि ये दो जो वचन हैं, इसे हर दिन आप क्या करें, प्रार्थना करें. एक तो है कि आप अपने मन को नया करें और हमेशा बोले, प्रभु मेरी आंखें ज्योतिमय हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु आपने मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दिया है, मैं और मेरा परिवार, मेरी कलीसिया जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु हमारी आंखें ज्योतिमय हो गए हैं, हम जानते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे बच्चे जो हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बच्चों के लिए कि वो परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण हैं, उनके आंखें खुल गए हैं, आपने उन्हें प्रकाश और ज्ञान का आत्मा से भरा है, वो जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है, ना कि डॉक्टर लेके आप उनके ऊपर दबाने का कोशिश करें कि तुम्हें डॉक्टर बनना है. नॉट लाइक दैट. ओके, अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? यू मस्ट फाइंड आउट. अपने मन को नया करें, रिन्यू योर माइंड, चेंज योर माइंड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला चीज, कैसे आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपने मन को नया करें. और दूसरा चीज, कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, वो आपको लेकर जाएगा वो बगीचे में. ही विल टेक यू देयर. अगर आप उसका आदर करें, उसका सम्मान करें,
तो भले आज आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, मे बी यू डोंट नो, बट कोई है आपके अंदर, अगर आप उसके अगुवाई में चलें, आप उसके प्रति आदर और सम्मान करें, तो वो आपको एक बच्चे के समान आपको लेकर वो बगीचे में लाएगा, वो उसका काम है. ओके, बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, देखिए कि वो आपसे क्या बोल रहा है. वचन में अपने आप को, मन को नया करें, वो दो प्रार्थना करें आपके प्रति, और जिसके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं आप कीजिए, और दूसरी बातें कि ध्यान से सुने. बहुत सालों पहले जब से मेरा जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे माता पिता को पता था कि मुझे प्रचारक बनना है. कितना अच्छा होता कि हमारे माता पिता अगर पवित्र आत्मा के इतने संगति में चलते हैं कि बच्चा जब पेट में है पवित्र आत्मा माता पिता से कहता है इसके लिए तुम्हारा बच्चा आ रहा है. माय माय माय, तो बच्चा जब पेट में ही है तो तुम्हें प्रचार बनना है, उल आत्मा तो तुम्हें प्रचार प्रचारक बच्चा जन्म हुआ प्रचारक वो ही सुन रहा है प्रचार करना है. मैं हकलाने वाला व्यक्ति, मैंने कहा प्रभु अगर मुझे आपको प्रचारक बनना है ये तो सही होता है, यही तो है सब कुछ यही तो बोलने को नहीं हो रहा है, मतलब नहीं है लेकिन अंदर है प्रचारक बनना है, प्रचारक 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 प्रचारक. और फिर एक समय आया जहां पर, क्योंकि देखिए एक मछली जब तक पानी में नहीं है घुटन है, घुटन फ्रस्ट्रेटेड. एक दिन मैं वो पानी में आया, पानी बहुत अच्छा है, इट्स ब्यूटिफुल. एक दिन वो मछली ने वो पक्षी हवा में उड़ा, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस. एक जगह है आपके लिए, देयर इज अ प्लेस. और अगर माता पिता दूसरों की बात नहीं सुने, पैसों के विषय में नहीं सोचे, अक्सर बहुत लोग देखते हैं किस में ज्यादा पैसा है उधर डाल दो, कौन सा कोर्स करने से 50,000 स्टार्टिंग है लेके डाल दो, मनी पैसा. और अगर आप संवेदनशील हैं पवित्र आत्मा के प्रति, वो बच्चा जब पेट में है आप जानते हैं कि ये क्यों आ रहा है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है. और वो बच्चा जब आता है आप उसको हर दिन बोलते हैं बेटा ये तुम्हारा काम है. इसीलिए मरियम को वो लोगों ने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुतों के पाप के लिए मारा जाएगा, और मैं जानता हूं कि मरियम ने यीशु को बोला ये तेरा मकसद है, ये तेरा मकसद है. और वो 12 साल की उम्र में वो अपने मकसद को पूरा करने में चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था मरियम नामक एक स्त्री अपने बच्चे को हमेशा याद दिलाती थी कि परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए. हमारे माता पिता अगर वैसे हो जाए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. ओके, बी लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें. लेट मी गिव यू अ वर्स, और फिर हम योहन्ना 16 उसका 13. द होली स्पिरिट, the precious Holy Spirit, the mighty Holy Spirit. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा. हालेलुया, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. उसका एक काम क्या है आप जानते हैं, पवित्र आत्मा का काम क्या है, पवित्र आत्मा आप में है, उसका काम है आपको सत्य का मार्ग बताना, आपको लेके जाना वो बगीचे में धीरे धीरे. आप जानते हैं यूसुफ को पवित्र आत्मा ने बताया कि तेरा जगह सिंहासन है, और अगला चीज वो गटर में बैठा हुआ है. लेकिन अगर आपने वो प्रचार सुना नहीं है पवित्र आत्मा की संगति, वो YouTube में डालने का मकसद ये है कि आप बार बार जाकर आप क्या कीजिए, सुनिए, घर में लगा दीजिए, जस्ट लगा दीजिए, वो पीछे रहने दीजिए, वो चलते रहने दीजिए. एक चीज मैंने उसमें कहा कि अगर आप पवित्र आत्मा को काम करने का मौका देंगे तो भले ही
आप गटर में हैं, अगर आप उसे काम करने का मौका देंगे तो वो आपको लेकर आएगा पोतीफर के घर में लाएगा। लेकिन आप जानते हैं बहुत लोग पोतीफर की पत्नी, इसीलिए देखिए यूसुफ इतना अच्छा व्यक्ति है, उसने पोतीफर की पत्नी से ज्यादा महत्व दिया अभिषेक को। उसने वो जानता था अगर मैं पोतीफर की पत्नी के साथ सोऊंगा, मैंने अभिषेक को रोक दिया, और मैंने अगर अभिषेक को रोक दिया तो मुझ में और सांसारिक व्यक्ति में कोई भी फर्क नहीं। लेकिन उसने अभिषेक को बोला नहीं नहीं तू जरूरी नहीं है, अभिषेक जरूरी है, और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उसे 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 यूसुफ पोतीफर के घर से वो जेल में गया, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ है, वो काम कर रहा है, और एक दिन लेकर जाके उसे सिंहासन में बैठा। उसे काम करने का मौका दीजिए, लेट हिम वर्क। आप सोचते होंगे कि मेरी बुलाहट इतना बड़ा है, मेरी बुलाहट तो असंभव है। नहीं, आप में कोई है जो सब असंभव चीजों से बड़ा है, उसके पास करोड़ों रास्ते हैं चीजों को करने का। He has a billion ways, वो आपके काम को कर सकता है। लेकिन आपका और मेरा काम सिर्फ ये है कि उसके लिए एक वातावरण बनाए। वो पवित्र आत्मा है, पवित्र, वो अपवित्र माहौल में काम नहीं करेगा। उसका नाम क्या है? पवित्र। He is holy। वो पवित्र वातावरण में वो काम करेगा, और वो पवित्र वातावरण में, अगर आप उसको एक पवित्र वातावरण देंगे तो वो आपको लेकर, आपकी कितना भी उम्र हो, 17 साल का उम्र हो या कुछ भी उम्र हो, कितने भी अनपढ़ पढ़ लिखे हो या कुछ भी हो, अगर आप उसे मौका देंगे वो आपकी अगुवाई करेगा, और वो आपको सिंहासन में जाके बैठाएगा। इसीलिए नहीं क्योंकि आप होशियार हैं, इसीलिए क्योंकि आपने उसे क्या दिया? मौका। जस्ट गिव हिम समथिंग टू वर्क। क्यों आप स्त्रियों को छू नहीं सकते? आपका विवाह नहीं हुआ है, क्यों आप नहीं छू सकते? वो थोड़ी जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी है। क्यों आप वो चीजों को देख नहीं सकते हैं? क्योंकि वो जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा जरूरी है। अरे सब करते हैं, हम सब थोड़ी हैं। सब करते हैं, हम सब नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा को जगह देते हैं। जो 1000 साल में नहीं हो सकता वो एक क्षण में कर सकता है, जो 10 साल में नहीं हो सकता वो एक दिन में कर सकता है। मैं उसे जगह देता हूं, और अगर आप ऐसा करें तो लगता होगा कि असंभव है, बहुत असंभव है कि कोई जेल से उठकर सिंहासन में बैठे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने करके बताया। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा, उसका काम है तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में लेके जाना। अगर आप संवेदनशील हैं, उसका आदर करेंगे, उसको उस वही चीज करेंगे जो उसको पसंद है, उसे दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो वो आपको धीरे धीरे उस बगीचे में लेकर के उस बगीचे के सिंहासन में बैठाएगा। ही विल डू इट, बट ऑनर हिम। ओके, स्लाइड नंबर फोर। कुछ चीज में और 10 मिनट लेकर खत्म करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर की इच्छा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी आपने परमेश्वर की इच्छा को पहचान लिया, अभी पहचानने के बाद आप उसके अधीन हो जाइए। दैट्स नंबर टू। आपने परमेश्वर की इच्छा को पहचाना, आपने परमेश्वर की इच्छा को समझा, अभी समझने के बाद, पहचानने के बाद आप उस इच्छा के अधीन हो जाइए। कम अंडर इट। अगर वचन में कुछ लिखा है, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोल रहा है, दूसरा कदम है कि जो भी उसका वचन बोलता है, जो भी पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, आप उसके अधीन हो जाइए। कम अंडर इट। पहले उसकी इच्छा को ढूंढिए कि उसकी इच्छा क्या है, वो बगीचा कहां पर है। एक बार बगीचा आपको पता चल जाता है, उस बगीचे में अधीन हो जाइए। कमांडर है। अब जानते हो वो वचन में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मरूं, लेकिन तेरी इच्छा है कि मैं मरूं, इसीलिए मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के अधीन में लाता हूं। वो है नंबर टू, जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं,
परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अधीन होना। परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा जो आप में है, जो वो बोलता है उसके अधीन जब आप होते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं। मतलब यहां पर हम इसको हटा के बोल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने का मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन होना और परमेश्वर की आत्मा के अधीन होना। जो भी वो आपको बोलता है जस्ट ओबे। आर्थिक क्षेत्र में वो आपसे कुछ बोल रहा है जस्ट ओबे। घर में वो आपसे कुछ बोल रहा है जस्ट ओबे। वचन में आपने उसने आपसे कुछ कहा जस्ट ओबे। मतलब आप अपने आप को उसके अधीन करते हैं। आपने कहा प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना, मैं अपने आप को उसके अधीन करता हूं। या परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने का मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन होना और परमेश्वर की आत्मा के अधीन होना। ओके, लास्ट स्लाइड। सिर्फ अधीन नहीं होना, अधीन होना एक बात है, सिर्फ अधीन नहीं होना, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के नीचे नहीं आना, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना, वो है नंबर थ्री। That's number three. सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होना, परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा एक शर्ट है, वो परमेश्वर की इच्छा को लेना और उसे पहन लेना। मतलब अभी परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा हो गई है। मैंने आपसे कहा था एक सिपाही के बारे में, जब मैं ट्रेन में जा रहा था एक सिपाही से जब मैं मिला, वो सिपाही ने मुझसे एक और बात कहा। उसने कहा कि आर्मी में सिपाही का इच्छा नहीं होता। सो पावरफुल। उसने कहा आर्मी में सिपाही, वो अपने बारे में बोल रहा है मुझे देख के, वो बोल रहा है आर्मी में सिपाही का इच्छा नहीं होता, क्योंकि आर्मी में जो कमांडर का इच्छा है वही सिपाही का इच्छा। आप जानते हो उस सिपाही ने क्या किया? वो सिर्फ आर्मी में आया नहीं, मतलब अपनी इच्छा को आर्मी की इच्छा में लाया नहीं, वो वहां पर आया और कमांडर की इच्छा को अपनी इच्छा बना दी। वैसे ही हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को हम क्या करें, अपनी इच्छा बना दीजिए। जस्ट मेक इट, मेक गॉड्स विल योर विल। व्हाट इज योर विल? गॉड्स विल इज माय विल। परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा आप बना दीजिए। जो व्यक्ति परमेश्वर ने मिल रखा है उसके साथ हम विवाह करेंगे। जहां पर प्रभु चाहता है कि हम रहे वहीं पर हम रहेंगे। जैसे यीशु ने कहा, प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे जीवन में भी पूरे हो जाए। हर दिन हम वो प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू सम वर्स। योहन्ना 6 उसका 38, जॉन 6:38। मेक हिज विल योर विल। हमेशा कुछ भी निर्णय लेने से पहले पूछिए परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है। व्हाट इज गॉड्स विल? परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है? कुछ भी शुरू करने से आप पूछिए कि परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है। What is God's will? ये business start करने से पहले परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है? विवाह करने से पहले परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है? What is God's will? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं परमेश्वर की इच्छा में नहीं हूं वो खतरनाक है। It's dangerous. It will destroy your business. It will destroy your marriage. वो आपके घर को बर्बाद कर देगा। इसीलिए सबसे पहला सवाल, प्रभु की इच्छा इसमें क्या है? मैं अपने मन को नया कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हूं कि वो मुझे बताता है कि हाँ ये व्यक्ति प्रभु की इच्छा है, हाँ वो घर वो प्रभु की इच्छा है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत गवाही सुना है, बहुत लोग एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, वो बहुत प्रॉपर्टी में गए लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो वचन पढ़ रहे हैं, मन को नया कर रहे हैं और सब कुछ ढूंढने के बाद एक प्रॉपर्टी में आए हैं। वो स्त्री जो नागपुर में है, वो स्त्री ने जब वो प्रॉपर्टी में कदम रखा उसे पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी उसका है। कैसे उसे पता चला? क्योंकि संवेदनशील है, सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा कैसे बना ली।
मैं क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु बोलता है मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से। व्हाट अ पावरफुल कन्फेशन। हर दिन हम ये बोल सकते हैं, प्रभु मैं स्वर्ग से इसीलिए आया हूं, अपनी इच्छा को पूरा करने नहीं आया हूं, मैं स्वर्ग से इसीलिए आया हूं क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरा करने है। व्हाट अ पावरफुल कन्फेशन। ओके, एक और वचन और दो वचन मैं आपको देना चाहता हूं। योहन्ना 5:30, मैं स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया हूं। मैं स्वर्ग से, मैं धरती का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से इसीलिए आया हूं ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसे सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट वॉज सोल्ड आउट टू गॉड्स विल। वो बोलता है मैं जो बातें तुमसे कर रहा हूं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जो बातें तुम्हें कर रहा हूं वो उसे खुश करने के लिए कर रहा हूं। मैं जो काम करता हूं अपने आप को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जो काम करता हूं जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए करता हूं। सो एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एवरी डे आप बोले प्रभु मैं आपकी इच्छा के लिए अपने आप को दे देता हूं। आई विल फुलफिल योर विल। मैं स्वर्ग से आया हूं। आप चेंबूर से नहीं आए हैं, आप कहां से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं। आप स्वर्ग से आए हैं इस बगीचे में क्योंकि आप परमेश्वर की एक इच्छा है, उसे आप पूरा करेंगे और जब आपका समय खत्म हो जाएगा आप अपने घर वापस चले जाएंगे। आमेन। सब बोलिए आमेन। आइए एक और वचन, जॉन 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, ये स्त्री के विषय में हो सकता है, ये पुरुष के विषय में हो सकता है, या क्रिकेट के विषय में हो सकता है। एक व्यक्ति क्रिकेट में इतना घुस सकता है, मानो क्रिकेट उसका क्या हो गया है, खाना हो गया है, वो एक हो गया है क्रिकेट से, वो क्रिकेट उसका खाना हो गया। ये यीशु मसीह बोलता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में इतना एक हो गया हूं, वो बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरा खाना है, और जब मैं परमेश्वर की इच्छा को करता हूं जैसा खाना आपको ताकत देता है वैसे ही परमेश्वर की इच्छा आपको क्या देता है, ताकत देता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा करने लगते हैं वो बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरा भोजन है, मतलब जैसा भोजन आपके शरीर को ताकत देता है वैसे ही जब आप परमेश्वर की इच्छा को करते हैं वो इच्छा आपके ताकत को कमजोर नहीं करता है, वो इच्छा आपको और क्या देता है, ताकत देता है। जब एक मछली समुन्द्र में तैरती है जितना अधिक वो तैरती है उतना अधिक उसको ताकत मिलता है, जब एक पक्षी आसमान में उड़ती है उड़ने से उसका ताकत कम नहीं होता है, वो उड़ने से उसे और ताकत मिलता है। सो व्हेन यू डू व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू इट विल नॉट डिक्रीज योर एनर्जी, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी क्योंकि आप सही जगह पर हैं, यू आर एट द राइट प्लेस। यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना। आप सोचिए एक व्यक्ति अगर ऐसा बात करता है मतलब वो पागल है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर आपसे कहे मेरा खाना क्रिकेट है, मैं क्रिकेट ही देखता हूं, मेरे को सिर्फ क्रिकेट ही दिखता है, क्रिकेट मेरा खाना है, या फिर दो चीज हो सकता है, या तो वो पागल हो गया है या तो वो क्रिकेट में इतना घुस गया है कि उठते बैठते सोते उसको क्या दिखता है, क्रिकेट ही दिखता है। या तो यीशु पागल है या तो फिर वो परमेश्वर की इच्छा में इतना घुस गया है कि
कि वो बोलता है कि मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जीवन हो। दिस मस्ट बी आवर लाइफ कि प्रभु मैं स्वर्ग से आया हूँ, मेरा जीवन, मेरे शरीर का हर एक सांस, मेरे शरीर के लहू का हर एक बूंद उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रे यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप, वी वर्शिप, वी वर्शिप। आप सब मेरे साथ बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ और जैसा प्रभु बोलता है वैसा मैं करता हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर की इच्छा है। मेरी इच्छा नहीं, माता पिता का इच्छा नहीं, पति का इच्छा नहीं, पत्नी का इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा। मैं उसे पहचानता हूं, मैं उसमें हूं और मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। यीशु के नाम से आमेन।